क्वेश्चन है, अ बैग ए कंटेन्स टू व्हाइट एंड थ्री रेड बॉल्स। एक बैग ए दिया हुआ है और इस बैग में टू व्हाइट और थ्री रेड कलर्स की बॉल रखी हुई है। एंड अ बैग बी कंटेन्स फोर व्हाइट एंड फाइव रेड बॉल्स। एक और बैग है बैग बी, और इस बैग बी में फोर व्हाइट और फाइव रेड कलर्स की बॉल रखी हुई है। ये क्लियर। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इज फाउंड टू बी रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। अब रैंडमली हम दोनों बैग में से एक बैग सेलेक्ट करते हैं और उस सेलेक्टेड बैग में से एक बॉल निकालना है, और इस बॉल का जो कलर है वो रेड है। अब हमसे ये पूछा गया है कि ये जो एक बॉल जो कि रेड कलर का है निकाला गया है, ये बैग बी से निकाला गया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताए। तो यहाँ बेस थ्योरम यूज होगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, यहाँ पे दो बैग है, इन दो बैग में से कोई सा बैग सेलेक्ट हो सकता है। हो सकता है बैग ए सेलेक्ट हो सकता है बैग बी सेलेक्ट हो। तो यहाँ पे दो इवेंट बना लीजिए। लेट ई वन एंड ई टू बी द टू इवेंट। ई वन इवेंट कि बैग ए इज चूजन, और ई टू इवेंट बैग बी इज चूजन। ये क्लियर। अब चूजन बैग में से हमें एक बॉल निकालना है जिसका कलर रेड हो, तो इसके लिए एक इवेंट बना लीजिए। रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द चूजन बैग। ये क्लियर। तो देखिए, अब इन दो बैग में से बैग ए सेलेक्ट हो या चूज हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पी ई वन, दो में से एक बैग सेलेक्ट होना है तो 1/2। ये बैग बी सेलेक्ट हो तो 1/2। ये क्लियर। अब अगर बैग ए सेलेक्ट होता है, ठीक है, तो उसमें से एक रेड कलर की बॉल हम निकाल पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि पी ए आफ्टर सेलेक्टिंग द बैग ए, यानी कि पी ए आफ्टर ई वन, ये क्या बनेगा? तो यहाँ रेड कितने हैं? तीन, और टोटल बॉल 5, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। ये क्लियर। अब अगर बैग बी सेलेक्ट होता है तो इसमें से एक रेड कलर की बॉल हम निकाल पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर सेलेक्टिंग बैग बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर ई टू 5/9। ये क्लियर। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करने के लिए हमें बेस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए, वो हमसे पूछा है कि वो जो एक रेड कलर की बॉल निकाला गया है वो बैग बी का हो। इट मीन्स पहले तो आप एक बॉल निकालेंगे जिसका कलर रेड हो, और उसके बाद देखना है कि वो बैग बी का हो। तो इसके लिए ई टू मीन्स हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू आफ्टर ए। पहले एक रेड कलर का बॉल निकाले, तो उसके बाद देख रहे हैं कि ये बैग बी का बॉल है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू आफ्टर ए। ये क्लियर। तो देखिए, यहाँ पे वही जैसे प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, इवेंट अपॉन सैम्पल स्पेस यही यूज करेंगे। तो देखिए, इवेंट हमसे पूछा गया है कि वो बैग बी का बॉल हो। तो बैग बी का बॉल कब होगा? जब हम बैग बी सेलेक्ट करेंगे और उसमें से एक रेड कलर का बॉल निकालेंगे, तभी वो बैग बी का बॉल होगा। और सैंपल स्पेस की बात करें तो ओवरऑल पॉसिबिलिटीज, हो सकता है कि हम बैग वन सेलेक्ट करें, बैग ए, और उसमें से एक रेड बॉल निकाले, ये भी हो सकता है। और कंडीशन है तो प्लस कि बैग बी सेलेक्ट करें और उसमें से एक रेड बॉल निकाले। तो ये कहता है बेस थ्योरम। ये क्लियर। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये बन गई। तो पी ई टू 1/2, पी ए आफ्टर ई टू 5/9, पी ई वन 1/2, पी ए आफ्टर ई वन 3/5, और ये एज इट इज लिख दीजिए। ये क्लियर। अब हर टर्म से अगर हम 1/2, 1/2, 1/2 कैंसिल कर दें, तो यहां से मिल गया 5/9 अपॉन 5 और 9 का एलसीएम 45, 9 × 3 27, 5 × 5 25। तो ये बन गया 5/9 × 45/27 + 25 52। 9 × 5 = 45, ये आ गया 25/52। ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाएगी।